बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टेस्टी फूड्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा मुर्ग पुलाव। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मुर्ग पुलाव किस तरह बनाया जाता है। एक किलो चावल भिगोए हुए, एक अदर टमाटर, एक अदर शिमला मिर्च, एक प्याली सफ़ेद चने, 4 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद मिर्चें कटी हुई, 4 टेबल स्पून धनिया और 1/2 टीस्पून फ्राई किया हुआ प्याज, नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी जिसमें फूल बादियान, काली मिर्च और लौंग और मोटी इलायची है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखी मेथी। चिकन पुलाव बनाने के लिए कुकर के अंदर हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इस पर अब हम चिकन डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन अब वाइट हो गया, अब इसमें हम टमाटर डाल के उसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन अच्छी तरह भुना गया, अब इसमें हम दही ऐड करेंगे और साथ ही शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे जो फ्राई किया हुआ था, मिर्चें डालेंगे इसमें और सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही चने भी डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 3 कप पानी ऐड कर देंगे और साथ ही चावल डाल देंगे। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और जब इसका पानी सूखने लगेगा तो इसको हम 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और चावल नजर आना शुरू हो गए हैं। अब इसके ऊपर अब हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसे कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। देखिए चावल पक चुके हैं। अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन देख सकें।